चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो है हिटॉर्फ मेथड टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, वैसे ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करने के लिए हम दो टाइप की मेथड्स का यूज करते हैं, एक हिटॉर्फ मेथड है और दूसरा आपका मूविंग बाउंड्री मेथड आता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगली वीडियो में मूविंग बाउंड्री मेथड का भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये दोनों एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन पर बेस्ड मेथड है, लेकिन हिटॉर्फ मेथड को डिफाइन करने के लिए आपको इससे पहले के दो वीडियो जो मैं आपका ट्रांसपोर्ट नंबर पर बेस्ड डाल लगा हूं, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर वाला होगा और एक हिटॉर्फ थ्योरेटिकल डिवाइस वाला होगा। ठीक है, उन दोनों वीडियोज को आप ध्यान से देखिएगा, तब वहां से आपको ये टॉपिक समझने में कंफर्ट होगा। ठीक है, तो देखिये हिटॉर्फ थ्योरेटिकल डिवाइस क्या कहता था ना, देखिए ये था, ये आपको हल्का सा याद है, पिछला वीडियो आपने देखा है तो हमने ये कहा था कि आपका ये एनोडिक कंपार्टमेंट, ये मिडिल कंपार्टमेंट, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, तो एनोडिक कंपार्टमेंट से कैटायन यहां मूव कर रहा था, तो हमने कहा था एनोडिक कंपार्टमेंट में जो आपका कंसंट्रेशन फॉल होगा वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ कैटायन के होगा। ठीक है, कैटायन की स्पीड जितनी ज्यादा एनोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन फॉल भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली एनायन जो होंगे नेगेटिव आयन एनोड की ओर ही तो मूव करेगा ना, ये कैथोड था तो ये कैथोड से कहां मूव कर रहा है, एनोड की ओर मूव करेगा, तो आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन फॉल जो एनायन यहां से इधर को मूव कर रहा है उनकी स्पीड के प्रोपोर्शनल, ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा कंसंट्रेशन फॉल होगा, कम स्पीड होगी तो कंसंट्रेशन फॉल भी कम होगा। तो यहां से स्टेटमेंट आया था ना, देखिए फॉल इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय फॉल इन द कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन स्पीड ऑफ एनायन। क्यों, एनोड से कैथोड की ओर को कौन मूव कर रहा है, कैटायन, तो कैटायन की स्पीड जितनी ज्यादा एनोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन फॉल भी उतना ज्यादा। कैटायन ये कैथोड से एनोड की ओर कौन मूव कर रहा है, एनायन, तो एनायन की स्पीड जितनी ज्यादा वहां का कंसंट्रेशन फॉल भी उतना ज्यादा कैथोडिक कंपार्टमेंट का। ठीक है, ये वहां आपका हिटॉर्फ थ्योरेटिकल डिवाइस से जनरेटेड सेकंड रूल था। ठीक है, देन इसको इक्वेशन, चलो उसको हम यहां यूज कर रहे हैं, इक्वेशन वन है। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट नंबर का जो आपका पहला वीडियो हमने आपको दिया था, तो उस पहले वीडियो में ट्रांसपोर्ट नंबर के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि आपका किसी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, सपोज कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं, तो स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन, ये वहां हमने डिफाइन किया हुआ। ठीक है, तो इन दोनों को यूज करें तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, देखिए स्पीड ऑफ कैटायन की जगह फॉल इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट अपॉन फॉल यूसी की जगह फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक, यूए की जगह फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप टीसी इक्वल टू फॉल इन द कंसंट्रेशन को मैं ग्राम इक्विवेलेंट में ले लेता हूं, ठीक है, ग्राम मोल में भी लेता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन, एनोडिक से कौन मूव कर रहा है, कैटायन मूव कर रहा है, फॉल इन द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एट एनोडिक कंपार्टमेंट, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय यहां कैटायन और एनायन की स्पीड है, तो एनोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन फॉल और कैथोड क्या है, कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनायन मूव करता है ना, तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन फॉल एनायन की स्पीड के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा टोटल फॉल इन ग्राम कंसंट्रेशन का ग्राम इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट इन ईच कंपार्टमेंट,
ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक हो गया। स्पीड ऑफ कैटायन की जगह एनोडिक कंपार्टमेंट का कंसर्प्शन फॉल, कैटायन और एनायन की स्पीड की जगह दोनों कंपार्टमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट या कंसर्प्शन फॉल, ठीक है। सिंस ये जो आपका नीचे वाला स्टेटमेंट है, टोटल फॉल इन ग्राम इक्विवेलेंट इन ईच कंपार्टमेंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कॉपर कोलोमीटर, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। तो टोटल फॉल इन ग्राम इक्विवेलेंट इन ईच कंपार्टमेंट, मतलब एनोड और कैथोड दोनों कंपार्टमेंट में टोटल का क्या है ग्राम इक्विवेलेंट फॉल या कंसंट्रेशन फॉल क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कॉपर कोलोमीटर, ये स्टेटमेंट अभी एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे वहां से डिफाइन कर देंगे। फिलहाल आप इसको यहां पे अप्लाई कर दोगे, ये फैराडे से आता है वैसे, तो यहां से कितना जाएगा, सो टी सी कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, तो ऊपर का तो वही रहेगा स्टेटमेंट, फॉल इन द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन एट एनोडिक कंपार्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर, इसकी जगह पे है ये इक्वेशन रिलेशन नंबर फोर से, नंबर इन सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कॉपर कोलोमीटर, ठीक है। यही हमारा इक्वेशन अभी है, डिजायर्ड इक्वेशन, जिससे हम क्या निकालेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट अभी है, इसके बाद आएगा हिटोर्फ एक्सपेरिमेंट, उसमें हम दो चीज निकालेंगे, क्या क्या, एक तो फॉल इन द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन एट एनोडिक कंपार्टमेंट, क्योंकि एनोडिक कंपार्टमेंट से कैटायन कैथोड की ओर जा रहे हैं तो यहां पे कंसंट्रेशन फॉल करेगा ना, एक तो उसको कैलकुलेट करेंगे, दूसरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कॉपर किलोमीटर, इन दोनों का कैलकुलेशन हो गया, तो इस फॉर्मूले में पुट करके ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, इस पर आते हैं जरा, देखिए ये देखिए, अब इसके आगे मैं इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट को आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फॉर्मुलेशन पार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, जिस फॉर्मूले में आपने पुट करना है वो फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया, ठीक है। देन देखिए कैसे, देखिए ये है ना, ये आया था हमारा फॉर्मूला TC ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन फॉल इन द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन एट एनोडिक कंपार्टमेंट, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कॉपर कोलोमीटर, ठीक। तो ये दो कैलकुलेशन हमने करना है, तो उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट जरा देखिएगा, और ये बहुत इजी टॉपिक है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो भी आपको इजीली समझ में आएगा, यदि आप सारे वीडियोस को ध्यान से वॉच करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग वीडियोस को देख ही नहीं रहे होंगे तो उससे उनका लॉस होगा, इसलिए आप देखने की कोशिश करो,
सीखने की कोशिश करो, और कहीं कोई दिक्कत आ रही होती है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, बताएंगे सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है, किसका? हिटोर मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए। ठीक है, ये है, इसमें आपने एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड आपने इंसर्ट कर रखा है, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसमें इंसर्ट कर रखा है, बाहर से कवर कर रखा है, ग्लास कवर है ये, है ना, प्लेटिनम वायर से कनेक्टेड है ना ऊपर को, तो ग्लास कवर है, यहां से भी आपका ये हो गया, ये प्लेटिनम। ठीक है, और इसको आप देन सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे भी दिखा। ठीक है ना, ये देखिए, ये है एनोडिक कंपार्टमेंट ए, कैथोडिक कंपार्टमेंट सी, ये मिडिल कंपार्टमेंट है। तीनों कंपार्टमेंट में नीचे हमने क्या लगा रखा है, स्टॉप कॉर्ड लगा रखा है, जो क्या होगा जैसे ये एक्सपेरिमेंट पूरा होगा तो लिक्विड को यहां से विड्रॉ करने के लिए है, ये यहां का लिक्विड विड्रॉ होगा, यहां से इसका लिक्विड विड्रॉ होगा। बीच के जो आपके स्टॉप कॉर्ड लगे हैं, सपोज आप 2 घंटे के बाद एक्सपेरिमेंट को रोक रहे होंगे, तो 2 घंटे तक आपका क्या हो रहा होगा, यहां से जो कैटाइन होगा एनोडिक कंपार्टमेंट से कैटाइन कहां जाता है, कैथोड की ओर जाता है, और कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो एनायन होगा उसको एनोड अपनी ओर खींचेगा, तो ये एनोड की ओर आ रहा होता है। तो जैसे एक्सपेरिमेंट रोकना है तो स्टॉप कॉर्क आप यहां पे अप्लाई करेंगे, तो यहां से आयन का इधर को या यहां से आयन का इधर को मूवमेंट रुक जाएगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट को रोकने के लिए और ये विड्रॉ करने के लिए, ये स्टॉप कॉर्क नीचे वाले। ठीक है, और दोनों में हमने क्या किया, प्लैटिनम के स्ट्रिप को एज एन इलेक्ट्रोड यूज किया है। इलेक्ट्रोड वैसे 2 तरह के यूज होते हैं, या तो आप प्लेटिनम के ले लो, इनको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, या आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड भी ले सकते हो, अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने फिलअप कर दिया AgNO3 सॉल्यूशन, ये होगा ना AgNO3 सॉल्यूशन होगा, तो वहां क्या होगा, सिल्वर आयन होंगे और नाइट्रेट आयन होंगे। सपोज आपने एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन 0.1 कंसंट्रेशन का AgNO3 सॉल्यूशन इसके अंदर फिलअप कर दिया, भैया एनोडिक मिडिल एज वेल एज कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, पूरे इंस्ट्रूमेंट में आपने किसको AgNO3 का एक फिक्स कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आपने क्या करेगा फिलअप किया, देन उसके बाद उसको ये बैटरी से वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये कॉपर कोलोमीटर ये है। ठीक है, यहां से कनेक्ट किया तो ये कनेक्ट कर दिए, और ये एनोडिक कैथोडिक कंपार्टमेंट, देन उसके बाद बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके आप ये फिक्स कर लेंगे, ये 2 to 3 आवर के आसपास आप क्या करेंगे इसमें एक्सटर्नल सोर्सेस में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या 2 to 3 आवर तक आप क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट को रन करते हैं, तो उस दौरान आपका यहां से Ag+ आयन वहां को मूव किया होगा, या वहां से नाइट्रेट आयन इधर को मूव किया होगा। ठीक है, तो सपोज इस टाइम पीरियड के बाद आपने एक्सपेरिमेंट को रोका, कैसे रोकेंगे, यहां से स्टॉप कॉर्क लगा देंगे, एक्सटर्नल सोर्स कनेक्शन उसका हटा देंगे, तो आपका क्या होगा, यहां का सॉल्यूशन यही रहेगा, यहां का सॉल्यूशन यही रहेगा। ठीक है, अब हमने काम करना है, देखिए, फॉल इन द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटाइन एट, कैटाइन कौन है, Ag+ आयन। ठीक है, एट एनोडिक कंपार्टमेंट, तो यहां Ag+ आयन का कितना ग्राम इक्विवेलेंट फॉल हुआ, क्यों हुआ फॉल, क्योंकि स्टार्ट में सपोज आपके 100 Ag+ आयन थे, तो कुछ तो यहां से वहां गए, 10 भी वहां गए, तो आपका क्या हुआ, 90 बच गया, तो फॉल तो हुआ है ना। तो सपोज आपका इनिशियल जो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कितना था, एक्स ग्राम इक्विवेलेंट Ag+ आयन इनिशियल था, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमने, हमको पता होगा ना, सॉल्यूशन तो हमने यूज कर रखा है, और 2 या 3 घंटे के बाद जैसे एक्सपेरिमेंट को आपने स्टॉप किया, तो उसके बाद क्या है, एनोडिक कंपार्टमेंट का जो सॉल्यूशन है, इसको यहां से आप क्या है खोलेंगे, विड्रॉ करके एक कंटेनर में ले लेंगे, और उसको आप क्या करेंगे, टाइट्रेट कर लेंगे। टाइट्रेशन का यूज काहे के लिए किया जाता है, स्टार्टिंग में तो हमको पता था, ठीक है, AgNO3 में सॉल्यूशन है हमारे पास, कितना कंसंट्रेशन है Ag+ आयन का,
ये कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट कितने Ag प्लस आयन के कितने x ग्राम इक्विवेलेंट स्टार्टिंग वाले, तो हमको पता होगा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते समय, ठीक है, दो घंटे तक एक्सपेरिमेंट को रन किया, तो उसके बाद कुछ यहां से वहां चले गया, तो अब उसके बाद तो हमारे पास Ag प्लस आयन का यहां कितना कंसेंट्रेशन ये नहीं पता चलेगा ना, तो वो क्या है अननोन हो गया हमारे पास। तो अननोन सॉल्यूशन के अंदर किसी का अमाउंट पता करना है तो हम क्या करते हैं टाइट्रेशन करते हैं, तो उसी के लिए हमने यहां क्या किया दो घंटे तक एक्सपेरिमेंट रन किया, उसके बाद फिर इस सॉल्यूशन को विड्रॉ किया, उसको टाइट्रेट कर दिया अमोनियम थायोसाइनेट के साथ या पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ टाइट्रेशन करते हैं इस एनोडिक सॉल्यूशन को। टाइट्रेशन से यह पता चल जाएगा कि आपका क्या है, दो घंटे के बाद जब एक्सपेरिमेंट को रोका हमने तो उस समय यहां का Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन या ग्राम इक्विवेलेंट कितना था। ठीक है, सपोज y ग्राम इक्विवेलेंट Ag प्लस आयन इतना आपका कंसंट्रेशन है, ये समझ आता कैसे, ये क्या है सॉल्यूशन को दो घंटे तक रन करने के बाद निकाला, निकाल करके उसको टाइट्रेट कराया, टाइट्रेशन से पता चलेगा कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट Ag प्लस आयन का अब मौजूद है इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग वालों को हमको पता होगा एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट कर रहे हैं तो AgNO3 का सॉल्यूशन बना करके तो हम इसमें फिलअप किए हैं तो हमको पता है स्टार्टिंग का कितना ग्राम इक्विवेलेंट था Ag प्लस, और क्या है 2 आवर के बाद या एक्सपेरिमेंट कंप्लीशन के बाद आपका टाइट्रेशन से आपने पता कर लिया होगा। ठीक है, देन एक्स माइनस वाई ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या हुआ Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन फॉल यही तो हुआ, स्टार्टिंग में इतना था t टाइम के बाद इतना बचा तो कितना फॉल हुआ इतना माइनस इतना, ये हो गया इतना तक, तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी तो आपको कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब बचता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कॉपर कोलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने आपको ये लिखा था वैसे वहां जब इससे पहले मैं फॉर्मुलेशन दिया तो मैंने लिखा दिया टोटल फॉल इन द ग्राम इक्विवेलेंट एट ईच एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट, ये तो था ना कि एनोडिक कंपार्टमेंट में कितना कंसंट्रेशन फॉल, कैथोडिक में कितना कंसंट्रेशन फॉल, ठीक है, दोनों का सम जितना होगा उतना ग्राम इक्विवेलेंट फॉल क्या है इसकी जगह पे हमने पुट किया था। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि आपका क्या है उस सेंटेंस को सुनना है टोटल फॉल इन द ग्राम इक्विवेलेंट इन ईच कंपार्टमेंट उसको रिप्लेस करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कॉपर किलोमीटर लिखा आपने, क्यों लिखा है सर, क्योंकि फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है कि यदि आप ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है एक कॉपर किलोमीटर दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है सीरीज में कनेक्ट कर रखा है एक दूसरे के साथ और दोनों के लिए कॉमन बैटरी है तो आपका सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो तब उस समय ये कहता है कि यहां पे टोटल एनोडिक एज वेल एज कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो ग्राम इक्विवेलेंट फॉल हुआ होगा वो इक्वल टू क्या होगा यहां पर डिपोजिटेड कॉपर किलोमीटर में कैथोड पर जो कॉपर डिपोजिट होगा उसके इक्वल होगा कहता है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है, तो यहां पे डिपोजिटेड कॉपर को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको यहां पुट करेंगे और x माइनस मान लिया ये कॉपर डिपोजिटेड है कैथोड कितना है जेड ग्राम इक्विवेलेंट इतना ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर का क्या होगा कॉपर क्या है कोलोमीटर में कैथोड पर डिपोजिट हो गया तो उसको आप यहां अप्लाई कर लेंगे और x माइनस वाई फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन ऊपर पुट करेंगे तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन जेड सॉरी एक्स माइनस वाई अपॉन जेड ये हो गया कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक हो गया ना इतना, अब एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो सिंपल सा तरीका हो गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू कितना होता है 1 तो एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल टू कितना होगा टीसी सॉरी 1 माइनस टीसी टीसी की वैल्यू है तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन जेड इस फॉर्मूले से आप क्या कर लोगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन भी कैलकुलेट कर सकते हैं टी ए एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल टू 1 माइनस ये क्या है टीसी ये जो मैंने ऊपर यहां लिखा ना तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दोनों का आयनों के ट्रांसपोर्ट नंबर का सम ऑलवेज कितना होता है 1 तो 1 में से एक के ट्रांसपोर्ट नंबर को रिड्यूस करेंगे तो दूसरे का कैलकुलेट हो जाएगा तो नाइट्रेट आयन का भी ट्रांसपोर्ट नंबर आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हिटोर्फ मेथड टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द आयंस। ठीक हो गया, देन अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आएगा मूविंग बाउंड्री मेथड टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द आयंस। दोनों एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।